ताज समाजवादी पार्टी में 8 दिग्गज सियासी नेता शामिल हुए। ये नेता कांग्रेस और बीएसपी को छोड़कर अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने इन लोगों को बधाई दी, साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 10,000 मेगावाट बिजली की बात कर रही है, क्या वो इसका मतलब भी समझते हैं? अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कानून बनाना ही था तो ऐसा कानून बनाते जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। वहीं सीएम योगी के हैदराबाद दौरे को लेकर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी वहां के लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। तो ये आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। और इसके साथ ये बता दें, आज लव जिहाद कानून को लेकर बड़ा दिन है, क्योंकि आज राज्यपाल की तरफ से मोहर लग चुकी है और ऐसे में कानून बन चुका है ये, यानी कि अब लव जिहाद का कोई भी मामला सामने आता है उत्तर प्रदेश में तो फिर सख्त एक्शन होगा, यहाँ पर सजा भी होगी, जुर्माना भी वसूला जाएगा। और ये बता दें, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए। सरकार, ये मुझे आप बताइए, सरकारी एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटर कास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपए मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। जब सरकारी योजना चला रही है तो सरकारी कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है? जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश के किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे आप, बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही हैं, उससे न केवल किसान बल्कि हमारा नौजवान और बड़े पैमाने से व्यापार बर्बाद हुआ है। हैदराबाद वाले समझ ही नहीं पाएंगे जो बोल के आएंगे, वो तेलुगु भाषा है वहां पर, और इनकी ठोको नीति तो कोई समझ नहीं पाएगा।